नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का S4SSC में। दोस्तों आज से हम टाइम इन वर्क को स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हमको 6 तरह के प्रश्न करने वाले हैं, जैसे कि साधारण प्रश्न जो कि टाइम इन वर्क को समझने में हमें मदद करने वाला है। उसके बाद दोस्तों मजदूरी पर आधारित प्रश्नों को हम करेंगे। तीसरे टाइप में हम कुछ दिन काम करने के बाद जब कोई व्यक्ति काम छोड़ देता है उस पर आधारित प्रश्नों को करेंगे। टाइप 4 में दोस्तों हम वैसे प्रश्नों को करेंगे जब काम समाप्त होने के कुछ दिन पूर्व कोई व्यक्ति जो काम छोड़ देता है उस पर आधारित प्रश्न करेंगे। और पांचवे टाइप में हम कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न को करेंगे। और छठे टाइप में हम दोस्तों सूत्र पर आधारित प्रश्नों को करने वाले हैं। तो एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे, साधारण प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, उसके बाद छठे तक हम जाएंगे। तो आज हम साधारण प्रश्न को करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं, साधारण प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसे 12 घंटों में कर सकता है, यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटों में समाप्त होगा। दोस्तों टाइम इन वर्क में जो है कई तरह के मेथड से आप इसे बना सकते हैं, लेकिन आज हम इसे सिंपल LCM मेथड से बनाने वाले हैं, क्योंकि ये सबसे इजी मेथड है। LCM मेथड से हम इसे बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों पहले प्रश्न को समझते हैं। राम किसी काम को दोस्तों 8 घंटे में और श्याम उसे 12 घंटों में कर सकता है, तो दोनों अगर साथ काम करें तो कितने घंटे समय लगेंगे, यही पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसे सबसे इजी वे क्या है, सबसे पहले आप लिखिए राम जो है कितने घंटे में काम कर सकता है, वो है 8 घंटे में। श्याम जो है इसे कर सकता है 12 घंटों में। दोस्तों हम LCM मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं कि कितना काम होगा। हम इसमें सबसे पहले काम निकालते हैं कितना काम होगा। तो वो कैसे निकालेंगे दोस्तों, हम 8 और 12 का LCM लेते हैं और जो LCM लेने के बाद आएगा उसे हम मान लेते हैं कि इतना काम है, ये माना हुआ है, जरूरी नहीं कि काम उतना ही होता है। तो 8 और 12 का LCM दोस्तों 24 होता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 24। और ये क्या है दोस्तों, ये हो गया टोटल वर्क। ये हमने माना कि टोटल वर्क है 24 यूनिट। ये 24 यूनिट वर्क जो है टोटल वर्क है। और जैसा कि प्रश्न में दिया है, राम जो है 8 घंटे लेता है और 12 घंटे लेता है श्याम। तो अगर हम मान ले कि 24 काम है, 24 यूनिट काम है और 8 घंटे में कंप्लीट किया जा रहा है, तो 1 घंटे में कितने काम हो रहा होगा दोस्तों। तो 24 से डिवाइड करेंगे 8 को डिवाइड करेंगे 24 से, तो आ जाएगा 3 यूनिट। यानी कि राम जो है 1 घंटे में 3 यूनिट करेगा, तब जाकर इसे 8 घंटे में 24 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। उसी तरीके से श्याम का हम 1 घंटे का यूनिट निकाल लेते हैं, तो 12 को डिवाइड करेंगे, जब 24 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो आ जाएगा 2। तो दोस्तों देखिए, जो श्याम है 12 घंटे में 24 काम कर लेता है, यानी 1 घंटे में वो 2 काम कर लेगा, तो ये आ गया 2 काम और ये 3 यूनिट काम, ये 2 यूनिट काम। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, पूछा जा रहा है कि दोनों साथ में काम करेंगे तो कितने घंटे लेंगे। तो जैसा कि हमने निकाला, 1 घंटे में जो है राम है 3 यूनिट काम कर रहा है, राम 3 यूनिट कर रहा है, और 1 घंटे में श्याम जो है 2 यूनिट कर रहा है, यानी दोनों मिलाकर दोस्तों 5 यूनिट काम हो रहा है। कितना, 5 यूनिट काम हो रहा है 1 घंटे में, इन 1 आवर। तो 1 घंटे में 5 यूनिट काम कर रहा है कौन, राम और श्याम दोनों मिलकर। राम प्लस श्याम जो है 1 घंटे में 5 यूनिट काम कर रहे हैं। तो दोस्तों टोटल कितना यूनिट हमने माना था, 24 यूनिट। तो 1 घंटे में 5 यूनिट। तो दोस्तों 24 यूनिट करने में कितना टाइम लगेगा, 24 यूनिट करने में कितना टाइम लगेगा दोस्तों, यही निकालना है हमें। तो देखिए, 1 घंटे में 5 यूनिट
तो एक यूनिट करने में 1/5 घंटा होगा, 1/5 घंटा, एक यूनिट बराबर 1/5 घंटा। तो हमें तो 24 यूनिट निकालना है, तो दोनों साइड 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू 1/5 × 24। तो दोस्तों कितना आ गया, ये कटेगा नहीं, तो ये हो गया 5 × 20 और 4 × 24/5, इतना घंटा लगेगा। ये हमारा आंसर हो गया 4:4/5। ये दोस्तों आई होप समझे होंगे, अगर नहीं समझे तो फिर से मैं एक बार बता देती हूँ। दोस्तों पहले लिख लीजिए आप राम और लिख लीजिए श्याम। राम कोई काम कर रहा है 8 घंटे में, श्याम उसी काम कर रहा है 12 घंटे में। सबसे पहले हम निकालेंगे काम कितने यूनिट है, इसके लिए हम लेंगे दोनों नंबर का एलसीएम और टोटल काम निकालेंगे, दोनों एलसीएम लेंगे तो आएगा 24। आप देखिए ये 8 घंटे में अगर 24 काम करे, आप खुद सोचिए आप 8 घंटे में 24 काम कर रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 24/8 होगा, तो ये हो जाएगा 3 यूनिट। यानी कि आप 1 घंटे में 3 यूनिट काम करेंगे। उसी तरीके से दोस्तों श्याम जो है अगर 12 घंटे में 24 काम करता है, यानी कि 1 घंटे में 2 काम करता होगा, यानी 2 यूनिट। तो इसकी कार्य क्षमता आ गई, ये दोस्तों कार्य क्षमता है, टोटल काम तो 24 है, 24। और राम जो है 1 घंटे में 3 यूनिट काम कर रहा है और श्याम जो है 1 घंटे में 2 यूनिट काम कर रहा है, तो राम प्लस श्याम 1 घंटे में, 1 घंटे में कितना काम करेंगे दोस्तों, 3 + 2 यानी 5 यूनिट, यानी 3 + 2 यूनिट यानी 5 यूनिट काम करते हैं 1 घंटे में, और इन्हें टोटल 24 यूनिट करना है। तो एक घंटे में 5 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर दोस्तों ये 5 जो है इधर आ जाता है, तो 1/5 आवर लगेगा इसको 1 यूनिट करने में, तो 24 यूनिट करने में दोस्तों, तो 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 24/5 आवर लगेंगे इसे 24 यूनिट काम करने में। तो इसे दोस्तों जब आप काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 × 20 = 24/5, इतने घंटे हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये थोड़ा रेशियो में था, हो सकता है आपको नहीं समझ में आया, अगला देखिए आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा है रीता गीता संगीता क्रमशः 10 घंटे 12 घंटे और 15 घंटे में कोई काम कर लेती है, यदि तीनों एक साथ काम करे तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो इसमें तीन पर्सन है, रीता गीता और संगीता। रीता कर ले रही है दोस्तों 10 घंटे, गीता ले रही है 12 घंटे और सीता ले रही है 15 घंटे। तो टोटल वर्क निकालेंगे दोस्तों, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे हम, इसका एलसीएम ले लेंगे हम, तो एलसीएम ले लेते हैं तीनों का। तो दोस्तों 10 12 और 15 का एलसीएम आपको याद हो जाएगा बनाते बनाते कि इसका एलसीएम 60 होता है, 60। ये क्या है दोस्तों, ये है टोटल वर्क, ये हमारा निकाला हुआ टोटल वर्क है कितना, 60। 60 जो है टोटल वर्क है। अब अगर आप 10 घंटे में 60 काम कर रहे हैं तो 1 घंटे में दोस्तों 6 काम कर रहे होंगे, अगर आप 12 घंटे में 60 काम कर रहे हैं तो 1 घंटे में 5 काम कर रहे होंगे, डिवाइड कीजिए दोस्तों इजीली आ जाएगा। अगर आप 15 घंटे में 60 काम कर रहे हैं यानी कि 1 घंटे में आप 4 काम कर रहे हैं, मतलब एक चीज नोटिस कीजिए दोस्तों, आप जितना टाइम कम लेंगे आप उतना अधिक काम करेंगे,
जितना टाइम कम लेंगे उतना अधिक काम करेंगे। तो देखिए 10 घंटा ले रहा है यानी कि एक घंटे में 6 यूनिट काम कर रहा है, ये 12 घंटा ले रहा है यानी एक घंटे में ये 5 यूनिट काम कर रहा है, ये 15 घंटे ले रहा है यानी एक घंटे में ये 4 काम कर रहा है। तो जब समय काम बराबर होता है और जो जितना कम समय लेगा वो उतना अधिक उसकी कार्य क्षमता होती है। तो ये 6, 5, 4 क्या है दोस्तों, इनकी कार्य क्षमता है यानी एक घंटे में ये 6 काम कर लेंगे और ये जो है एक घंटे में 5 काम और उसी तरीके से सीता एक घंटे में 4 काम कर लेती है। अब पूछा जा रहा है तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में होगा। हमने माना पूरा काम 60 है और एक घंटे में ये 6, ये 5, ये 4 यानी सीता रीता प्लस गीता प्लस सीता, रीता गीता सीता जो है दोस्तों एक घंटे में कितना यूनिट काम करेगी, एक घंटे में अकेले 6 यूनिट 5 यूनिट 4 यूनिट साथ में, तो 6 प्लस 5 प्लस 4 तो कितना यूनिट हुआ दोस्तों, 6, 4, 10 और 5 15 यूनिट। मतलब एक घंटे में सीता रीता और गीता 15 यूनिट काम करती है जबकि टोटल हमें 60 यूनिट काम करना है। तो देखिए 15 यूनिट करने में हमें कितना समय लगा दोस्तों, एक घंटे का समय लगा। तो 60 यूनिट करने में कितना समय लगेगा, तो दोस्तों एक यूनिट निकालेंगे तो 1/15 होगा इंटू 60 कर देंगे। लेकिन आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 15 यूनिट है हमें 60 यूनिट बनाना, तो इसे कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से, तो इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इधर करेंगे तो इधर भी करना होगा आपको, तो 1 × 4 यानी ये 60 यूनिट बन गया दोस्तों, 15 × 60 यूनिट जो कि टोटल काम है, और इधर 1 × 4 = 4 आवर, तो हमारा आंसर हो गया 4 आवर। ये हमारा दोस्तों आंसर हो गया। नहीं समझे तो फिर से मैं बताती हूँ, अगर 15 यूनिट करने में दोस्तों आपको कितना टाइम लग रहा है, एक घंटे का टाइम लग रहा है, तो एक यूनिट करने में 1/15 घंटा लगेगा और 60 यूनिट करेंगे तो 1/15 × 60, तो 15 से काटेंगे 15 × 60 यानी कि 4 घंटा हमारा आंसर हो जाएगा, 4 घंटा। आई होप दोस्तों समझे होंगे आप। तीसरा देख लेते हैं, इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी एक साथ उसे 12 दिनों में, जबकि सी और ए एक साथ 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी सी तीनों एक साथ काम करें तो पूरे काम करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों कहा जा रहा है कि अगर ए और बी ए प्लस बी काम करते हैं तो 20 दिन लगता है, उसी तरीके से बी और सी साथ में काम करते हैं तो 12 घंटे लगते हैं और सी और ए करते हैं तो 15 दिन लगता है। तो पूछ रहा है कि तीनों सिर्फ सिंगल ए और बी और सी तीनों साथ में करेंगे तो कितना समय लगेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे हम। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। तो दोस्तों ए और बी कितना समय ले रहा है, 20 दिन, बी और सी समय ले रहे 12 दिन और सी और ए ले रहा है 15 दिन। तो दोस्तों हम फिर से वही करेंगे, टोटल वर्क पहले निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम लेते हैं तीनों का, तो तीनों के एलसीएम तो आपको पता ही है 20, 12 और 15 के एलसीएम 60 होता है, यानी टोटल काम जो है 60 यूनिट, ठीक है। और ए और बी 20 दिन लेते हैं 60 काम को करने में, 60 यूनिट काम करने में 20 दिन। तो देखिए दोस्तों 20, ठीक है, एक दिन में 20 दिन लेते हैं 60 काम को करने में, तो 60 यूनिट करने में 20 दिन। तो दोस्तों 20 दिन में अगर आप 60 यूनिट काम कर रहे हैं यानी एक दिन का आप निकालेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, एक दिन में आप 3 यूनिट ही कर रहे होंगे, तभी आपको 20 दिन लग रहा है 60 यूनिट काम करने में। उसी तरीके से इसको भी लिख लेते हैं हम, तो 12 × 25 = 60 और 15 × 60 यानी ए और बी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं
बी और सी उसी तरीके से 5 यूनिट कर रहे हैं, जबकि सी और ए 3 यूनिट कर रहे हैं। अब क्या करेंगे हम दोस्तों, उसी तरीके से बनाएंगे जैसे हम बना रहे थे ए बी सी। अब ये तो आ गया दोस्तों। अब हम पहले क्या करते थे, ए का निकल जाता था 3 यूनिट, बी का इतना और सी का इतना, तो ए प्लस बी प्लस सी करते थे, तो जैसे हम लिखते थे दोस्तों कितना यूनिट हुआ एक दिन में, उसी तरीके से हम लिखेंगे। लेकिन यहाँ अगर हम जोड़ेंगे, इसको जोड़ दें हम, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए ए और ए दो बार आ रहा, बी और बी दो बार आ रहा, सी और सी भी दो बार आ रहा, यानी 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी जो है एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 4 12। तो दोस्तों देखिए ए बी और सी 2 टाइम्स में 12 यूनिट कर रही, तो सिंगल टाइम में कितना होगा दोस्तों, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो आएगा 6 यूनिट, यानी ए प्लस बी प्लस सी जो है एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहे हैं और इन्हें करना है टोटल 60 यूनिट। तो टाइम कितना लगेगा दोस्तों, तो टाइम कितना लगेगा, देखिए 6 यूनिट कर रहे हैं एक दिन में, 6 यूनिट करने में इन्हें लग रहा है एक दिन लग रहा है 6 यूनिट करने में, इन्हें करना है 60 यूनिट। तो दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर हो जाएगा 60 यूनिट और इधर हो जाएगा 10 दिन, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो 6 यूनिट एक दिन में, तो देखिए 6 यूनिट दूसरा दिन करेगा तो 12 यूनिट हो जाएगा, तीसरा दिन 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36, 6 × 7 = 60, तो यानी कि 10 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर पहले आप एक यूनिट निकालिएगा, एक यूनिट बराबर 1/6 डे होगा, 1/6 डे, तो 10 यूनिट करेंगे तो 1/6 × 60 यूनिट निकालना है ना, तो 1 यूनिट बराबर 1/6, तो 60 यूनिट बराबर 1/6 × 60 = 10 ही आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 डेज। दोस्तों सिर्फ ध्यान ये देना है कि यहाँ पे देखिए ए प्लस बी 20 दिन ले रहा है, बी प्लस सी 12 दिन ले रहा है, सी प्लस ए जो है 15 दिन ले रहा है, और इसका एक दिन का यूनिट हम निकालते हैं तो 3, 5 और 4 आता है। तो अगर हम जोड़ेंगे तो ये सिर्फ ए और बी और सी का नहीं आ रहा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का आ रहा है, यानी कि ए डबल टाइम है, बी भी 2 बार आ रहा है और सी भी 2 बार आ रहा है, यानी कि 2 बार ए प्लस बी प्लस सी का यूनिट कितना आएगा, 12 यूनिट आएगा। तो काट देंगे, सिंगल बार हमें निकालना है क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है ए बी और सी तीनों एक साथ काम करेंगे तो कितना समय लगेगा, तो उसे निकालने के लिए हम 2 से काट देंगे तो 6 आता है। उसके बाद आपको पता ही है प्रीवियस क्वेश्चन में हम देख चुके हैं। तो दोस्तों ये तो साधारण प्रश्न रहा, अगले वीडियो में हम बनाएंगे कौन सा दोस्तों, ये जो अच्छा ये एक और बचा हुआ साधारण प्रश्न में, तो चलिए इसे भी कर लेते हैं। राम और श्याम किसी काम को एक साथ 10 दिनों में कर लेते हैं, श्याम और मोहन एक साथ 15 दिनों में, तथा मोहन और राम एक साथ 20 दिनों में कर लेता है, तो बताइए कि अकेले मोहन अकेले, अब ये दोस्तों ये बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, अकेले मोहन उस काम को कितने दिनों में कर लेगा। तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से बनाना है दोस्तों, पहले हम लिख लेते हैं राम प्लस श्याम जो है किसी काम को कर रहा है कितने दिनों में दोस्तों, 10 दिनों में, उसके बाद श्याम और मोहन कर रहे हैं 15 दिनों में, मोहन और राम इसे कर रहे हैं 20 दिनों में, तो टोटल वर्क निकालेंगे दोस्तों। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना है हमें, हमें निकालना है तीनों का एलसीएम, तो तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो आप इतना प्रैक्टिस कर चुके होंगे कि आपको याद हो जाएगा इनका एलसीएम होगा 60। अब राम और श्याम का एक दिन का यूनिट निकालेंगे तो ये 6 आ जाएगा, 10 को डिवाइड कर दीजिए, 60 को डिवाइड कर दीजिए 10 से, तो आ जाएगा 6 यूनिट, फिर 60 को डिवाइड कीजिए 15 से, 15 × 6 = 60 और 20 × 3 = 60, यानी एक दिन में राम और श्याम मिलकर 6 यूनिट काम कर रहे हैं, श्याम और मोहन 4 यूनिट और मोहन और राम जो है 3 यूनिट कर रहे हैं। अब इसे थोड़ा सा साइड कर लेते हैं,
अब दोस्तों आगे हम उसी तरीके से बनाने का कोशिश कर रहे हैं। अब दोस्तों हमने निकाल लिया कि राम और श्याम एक दिन में 6 यूनिट कर रहे हैं, श्याम और मोहन 4 यूनिट और मोहन और राम जो है 3 यूनिट कर रहे हैं। अब दोस्तों ध्यान रखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि अकेले मोहन उस काम को कितने दिन करेगा। अभी तक हमने तीनों का निकाला था, अभी सिर्फ मोहन का पूछ रहा है। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले हमें तीनों का निकालना होगा कि तीनों जो है काम करने में कितना समय लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम इसे जोड़ दें तो क्या आएगा, 2 टाइम्स राम प्लस श्याम प्लस मोहन आएगा इक्वल टू, देखिए दोस्तों ये यूनिट में एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है और ये है टोटल काम इतना यूनिट है। तो देखिए 6 चार 10 दिन 13 यूनिट, 13 यूनिट देखिए राम और श्याम और मोहन जो है दो बार जो मतलब राम और श्याम और मोहन जो है 13 यूनिट। तो एक बार निकालेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, ये डिवाइड हो जाएगा 2 से, 13/2 यानी राम प्लस श्याम प्लस मोहन बराबर जो है 13/2 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में। एक दिन में इतना यूनिट काम कर रहे हैं और टोटल 60 यूनिट काम करना है, तो वन डे में ये लोग कर रहे हैं 13/2 यूनिट। तो 60 यूनिट करने में कितना टाइम लगेगा, एक यूनिट निकाल लीजिए दोस्तों, एक यूनिट बराबर ये 2 से मल्टीप्लाई होके 2 एकम 2 और नीचे 13। अब हमें एक यूनिट तो निकालना है नहीं, 60 यूनिट निकालना है, तो इधर भी 60 से मल्टीप्लाई कीजिए और इस साइड भी 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 120/3 आएगा, 120/13 डेज लगेंगे किसे, तीनों को, ए राम प्लस श्याम प्लस मोहन को, तीनों को काम करने में 30/13 यूनिट लगेगा। अब दोस्तों यहाँ तो पूछा जा रहा है कि मोहन का निकालना है और हमने क्या निकाल दिया, हमने निकाला राम प्लस श्याम प्लस मोहन का, तो हमें निकालना है मोहन का। तो अब हम क्या करें, टोटल निकाल लिए। तो अब दोस्तों आप ये कीजिए कि देखिए टोटल राम श्याम मोहन में से अगर राम और श्याम का काम हम घटा दें तो क्या बच जाएगा, सिर्फ मोहन का काम बच जाएगा। तो राम और श्याम जो है 6 यूनिट करते हैं, तो 6 यूनिट घटा देते हैं हम 13/2, अभी हमने क्या निकाला था कि तीनों मिलकर 13/2 यूनिट काम करते हैं, तो 13 यहाँ मैं लिख रही हूँ, थोड़ी सी जगह कमी है, 13/2 यूनिट में से हम क्या घटाएंगे दोस्तों। तो आप ध्यान रखिए दोस्तों कि तीनों मिलकर जो है 13/2 यूनिट कर रहा है, जबकि हमें सिर्फ मोहन का चाहिए, तो राम और श्याम का यूनिट घटा देते हैं ना, तो ये तो 6 यूनिट काम कर रहा है, तो 6 यूनिट को हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 13-12/2 तो 1/2 आएगा, आधा यूनिट। मतलब मोहन जो है एक दिन में आधा यूनिट काम करता है। अब थोड़ा सा दोस्तों अगर आप समझ गए तो यहाँ डिलीट करती हूँ मैं। तो देखिए दोस्तों मोहन जो है, मोहन आधा यूनिट काम करने में एक दिन लेता है, और पूछा जा रहा है कि अगर अकेले मोहन उस काम को करे तो कितना दिन लगेगा, हम जानते हैं उस काम को यानी 60 काम को, तो आधा यूनिट करने में तो ये लगा दे रहा है कितना दोस्तों, एक दिन लगा रहा है, तो एक यूनिट करने में इसको टोटल 2 दिन लगेंगे, क्योंकि ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक यूनिट करने में से 2 डेज लग रहे हैं दोस्तों। तो सोचिए 60 यूनिट करने में कितना समय लगेगा, तो 60 यूनिट बराबर 2×60 यानी 120 दिन बराबर 120 दिन, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप दोस्तों समझे होंगे, आप नहीं समझे तो फिर से मैं बता रही हूँ एक बार। इसके बाद हम दोस्तों अगले वीडियो में दूसरा टाइप करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ तक तो आपको क्लियर था कि क्या है ये, तो राम और श्याम जो है दोस्तों 10 दिन में 60 काम करते हैं, इस हिसाब से वो एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं,
उसी तरीके से श्याम और मोहन जो है 15 दिनों में 60 काम करते हैं, यानी एक दिन में वो 4 यूनिट काम कर रहे हैं, और मोहन और राम जो है 20 दिन में 60 यूनिट काम करते हैं, यानी एक दिन में वो 3 यूनिट काम करता है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर था। अब हमें जब भी दोस्तों एक का पूछा जाए तो हमें तीनों को निकालना होगा, क्योंकि यहाँ सिंगल सिंगल दिया नहीं है, ये डबल वैल्यू हो जा रहा है। तो राम श्याम और मोहन का दो टाइम्स हो जाएगा, ये जोड़िएगा तो देखिए दोस्तों, राम दो श्याम दो बार मोहन, तो दो को हम कॉमन ले लेंगे, बराबर ये कितना यूनिट हुआ, 6 4 10 3 13 यूनिट। तो राम और श्याम और मोहन सिंगल निकालेंगे दोस्तों, तो ये 2 जो है यहाँ तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, बराबर 13/2 यूनिट। ठीक है दोस्तों, 13/2 को मैंने 13/यूनिट लिख दिया, ठीक है, तो 13/2 यूनिट। अब दोस्तों यहाँ पर तीनों कितना समय ले रहा है ये निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सवाल में सिर्फ मोहन का पूछ रहा है, तो मोहन का यूनिट ही हम निकाल देते हैं। तो राम और श्याम का और मोहन तीनों का 13/2 यूनिट है, और हमें सिर्फ मोहन का यूनिट चाहिए, तो राम और श्याम को अगर हम घटा देंगे दोस्तों इसमें से, राम और श्याम को घटा देंगे तो क्या आएगा, मोहन ही बचेगा। तो राम और श्याम का 6 यूनिट जो है घटा देते हैं, 6 यूनिट राम और श्याम का प्लस मोहन इक्वल टू 13/2 यूनिट। तो मोहन इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 13/2 - 6, तो एलसीएम लेंगे तो नीचे 2, 13 का 13 - 6 × 12 बराबर आधा यूनिट आया, आधा यूनिट यानी 1/2। मोहन जो है एक दिन में 1/2 यूनिट काम करता है, 1/2 यूनिट इन वन डे। तो 60 यूनिट करना है तो कितना दिन लगेगा दोस्तों, तो एक यूनिट पहले निकाल लेते हैं हम, एक यूनिट बराबर 2 दिन, तो 60 यूनिट बराबर दोनों साइड 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 60 = 60 होगा, और 2 × 60 = 120, यानी 120 दिन हमारा आंसर आ गया, 120 दिन। दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो दोस्तों कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे, आज के लिए बस इतना ही, आज हमने साधारण प्रश्न को कंप्लीट किया दोस्तों, अगले वीडियो में हम मजदूरी पर आधारित प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।